टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के एनसीपी कार्यालय पर। आपको बता दें कि कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान के कार्यालय पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि 5 अगस्त को गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में यानी 4 अगस्त को एक दिन पहले शमीम खान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल इस कार्यक्रम में मुमरा शहर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और MIM पार्टी से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता जो है आज NCP पार्टी में शामिल हुए हैं, जिन्हें तमाम यहां पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज, सैयद अली असरफ भाई साहब और भी अन्य पदाधिकारियों के हाथ से उन्हें पदभार सौंपा गया है। और इस दौरान गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज ने साफ तौर पर कहा है कि 5 अगस्त को उनका जन्मदिन है और वो जन्मदिन बड़े सादगी के साथ मनाएंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इस तरह की उन्होंने जानकारी दी है। बहरहाल जिस तरह से मुमरा में राजनीति फेर बदल लेती जा रही है और 3 पार्टियां कांग्रेस, MIM, समाजवादी के जो लोग थे वो आज NCP में शामिल हुए हैं। इस दौरान गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज ने साफ तौर पर शमीम खान की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि शमीम खान ने पार्टी को मजबूत बनाया है और विकास कार्यों को लेते हुए भी कहा कि अस्पताल जो बन रहा है वो भी जल्द मिल जाएगा, इसके साथ ही जो हज हाउस है उसकी भी बात किए और भी इस तरह के जो भी काम है उसको लेकर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज ने आज मंच से क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। आज क्या महीना है? अगस्त। 6 महीने में चुनाव आ जाएगा, 6 महीने में, आज से 6 महीने में, यानी हमारे पास 180 दिन है। 180 दिन में हर कार्यकर्ता हर गाने में घर में जाना चाहिए। वो कैसा जाना, क्या जाना, ये प्लानिंग शमीम भाई के ऊपर छोड़ देना। शानू और शमीम भाई मिलके प्लान कर लेंगे। एक बूथ 10 यूथ, एक बूथ 10 यूथ हम तैयार कर लेंगे। शमीम भाई उसी तरह से संगठन की तैयारी करो, बूथ लेवल से हम काम करेंगे तो मुमरा की जितनी भी सीटें हैं वो सीटों पे हमको कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं कि हम वोट खामोखा बिना काम के नहीं मांगते, हम काम करते हैं और वोट लेते हैं। एक मेरा वादा था स्लॉटर हाउस का, स्लॉटर हाउस की जमीन अपने हाथ में आ गई है। अब उसको आगे कैसे लेके जाना वो अब सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा सब लोगों के साथ और स्लॉटर हाउस आगे लेके जाना पड़ेगा। आने वाले 6-7-8 महीनों में एक प्रॉपर मुमरा के लिए मार्केट बन जाएगा, 1-2 मंजिला इमारत बन जाएगी और उसमें मार्केट चला जाएगा। मेरी गुजारिश है हॉकर्स से कि ये रस्ते पे बैठना छोड़ दो। कार्रवाई हुई तो फिर एक बहुत ही प्यारा बोल देते हैं, मजलूमों के पेट पे मारा जा रहा है। लोग इधर 4-4 घंटा खड़े रहते हैं, एम्बुलेंस से जाने वाला एम्बुलेंस में ही मर जाता है और मजलूमों के पेट पे पैर दे रहे हैं। तुम्हारे वजह से लोगों की जान जा रही है वो तो देखो। चलो कल तक तुमको मार्केट नहीं था, बैठो, पर जिस दिन मार्केट आएगा एक भी हॉकर को रस्ते पे मैं बैठने नहीं दूंगा। आपको जो समझना है समझ लो, मार्केट बनेगा, अच्छा बनेगा, उसके ही बाजू में हज हाउस बनेगा, बराबर है ना, उसके ही बाजू में हज हाउस बनेगा, हॉस्पिटल भी मेरे ख्याल से 1-2 महीने में उसको भी खोल दिया जाएगा। हॉस्पिटल का ज्यादा इंतजार मत करो, मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करूंगा
कि कोई हॉस्पिटल पे मर जाए। मैं कभी भी ये नहीं कहता, हॉस्पिटल के ओपनिंग में जाता हूं तो, कि हॉस्पिटल चलना चाहिए, हॉस्पिटल डूबना चाहिए। अगर हॉस्पिटल चलेगा तो इसका मतलब कि मुमरा में बीमारियां बढ़ गई, तो ये नहीं बढ़नी चाहिए। तो शमीम भाई आज अच्छा प्रोग्राम किए, मेरे जन्मदिन की पूर्व संध्या पे आपने अच्छा कार्यक्रम रखा। अब मैं 24 घंटा आज के बाद, मैं 36 घंटा ना किसी को दिखूंगा ना किसी को मिलूंगा। मैं किसी को ना मिलूंगा ना किसी को दिखूंगा, क्योंकि मैंने नासिक में जाके आरती की थी, सिर्फ आरती 3 दिन न्यूज चलाई थी लोगों ने, 3 दिन। और महाराष्ट्र के तमाम मंत्री जो इतने भी हैं, उन्होंने एक ने भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। अगर मैं कहीं पकड़ा जाऊंगा तो आप मुझे छुड़ाने नहीं आओगे, पूरा महाराष्ट्र मेरी बदनामी करेगा। तो उसको नजर, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे मालूम है शानू ने, शमीम खान ने बहुत मेहनत की है, लैपटॉप रखे हैं, मोबाइल्स रखे हैं, सब बच्चों का सब सर्टिफिकेट रखे हैं। इतना कार्यक्रम है, देखो ये ब्लड डोनेशन कैंप है, कोविड वैक्सीनेशन कैंप है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब मोबाइल है, सब सब लोगों को कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा जिन्होंने मुमरा का नाम रोशन किया है। 500 लड़की लेडीज लोगों को सूट दिया जा रहा है, सिलाई मशीन है, व्हील चेयर है, ये देने को मुझे बहुत मजा आता, लेकिन मेरी मजा मेरी ही सजा बन जाती थी। शानू ने 5.5 करोड़ रुपए की योजना लाई है कलवा मुमरा के लिए, जो गरीब और जिनकी महिलाओं का 10-15 हजार उनके अकाउंट में चला जाएगा कल से। तो इन सब योजनाओं का काम मेरे बर्थडे के वो दिन हुआ था, ये सब ये करने वाले थे, लेकिन मेरे को मुझे मालूम है ये धोखा क्या है, करने वाले है ना। लेकिन उस प्रोग्राम में भाई साहब आनंद परांजे पे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूता अवार्ड मैडम को कि वो भी आ जाए विदाउट जितेंद्र अवार्ड। थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून।